जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। ठीक हो जाएगी, आप चिंता मत कीजिए। यकीन नहीं हो रहा कि तुम इतने छोटे होने के बावजूद भी इतने समझदार कैसे हो। एक बात पूछूं? हाँ। आप दोनों चोरी क्यों करते हैं? माँ कहती है कि चोरी करना बुरी बात है। चोरी करना हमारा पेशा नहीं है, लेकिन क्या करते, हमारे पास ना काम है ना पैसा और ना ही रोटी, और दो दिनों से कुछ भी खाने को नहीं मिला, भूख बर्दाश्त नहीं हुई, इसलिए चोरी करने चले आए। पहले क्यों नहीं बताया, हम अभी आपको खाना खिलाते हैं। चलो हम सब मिलकर इनके लिए कुछ बनाते हैं। मुझे तो सिर्फ खाना आता है यशु, बनाना तो कभी सीखा नहीं। तो आज हम सब साथ में खाना बनाना भी सीख लेंगे। एक मुसीबत खत्म हुई, दूसरी शुरू। यशु, तूने देखा ना कि उन लोगों ने मेरी माँ को कितनी चोट पहुंचाई, फिर भी तुम उन्हें खाना खिलाओगे? बड़े भैया सही कह रहे हैं, माँ को चोट पहुंचाई है। उनको अभी के अभी घर से बाहर निकालना चाहिए, क्या पता उनके दिमाग में अभी भी कोई खुराफा चल रही हो। बड़े भैया सही कह रहे हैं। गलती तो हर किसी से होती है बड़े भैया, लेकिन गलती करने वाले को गलती सुधारने का एक मौका मिलना ही चाहिए। यीशु, ऐसा लगता है जैसे दुनिया भर के लोगों की गलती सुधारने की जिम्मेदारी सिर्फ तुमने ली है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये दरियादिली इसी दिन बड़ी मुसीबत में डाल दे हम सबको, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना पड़ेगा यीशु। आशा पानी लाओ। यीशु, नमक के बिना खाने में स्वाद ही नहीं होता। यूं समझ लो जैसे जीवन में प्यार बहुत जरूरी है, वैसे खाने में नमक की जरूरत है। नमक चाहिए, माँ नमक वहां रखती है। अरे यीशु भैया, चूल्हे की आग बुझ रही है। यीशु,
पेट भर कर खाना खाइए। ईश्वर को हम नहीं मानते, लेकिन सच में अगर ईश्वर का कोई बेटा इस संसार में होता तो उसकी सूरत बिल्कुल तुम्हारी तरह होती। यीशु, 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 बच्चा का लाख लाख शुक्र है कि तुम सही सलामत हो बेटा। यीशु, बेटा ये खून के दाग कैसे? कहीं चोट लगी है क्या? बताओ मुझे कहां लगी है, बताओ ना। यीशु, क्या हुआ बेटा, कैसे लगी ये चोट? ये मेरा खून नहीं है। मैं बताता हूँ अभी आपको सब कुछ। पिताजी पता है कल रात यीशु, भाभी आप थोड़ा शांत हो जाइए। आप मुझे शांत होने को कह रहे हैं? आपको पता भी है आपके लाडले यीशु ने किया क्या है? इसने न सिर्फ उन चोरों को अपने घर में शरण दी, बल्कि अपने हाथ से खाना बनाकर उन्हें खिलाया, जो कि न सिर्फ इस घर में चोरी करना चाहते थे, बल्कि मुझे और मेरे बच्चों को जान से मारना चाहते थे। आप सबका चेहरा देखकर साफ साफ पता चल रहा है कि इस यीशु ने आप सबको कुछ भी नहीं बताया है। मैं बस बताने वाला था। तुम तो चुप ही रहो यीशु। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।